अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। होप कि आप सब अच्छे से होंगे, खैरियत से होंगे। तो हमारा लेक्चर किस पे चल रहा है? बाइनोमियल थ्योरम पे हम चल रहे हैं और एक्सरसाइज हमारी उसकी सारी कंप्लीट हो गई है। एंड द नेक्स्ट एक्सरसाइज इज आवर मिसलेनियस एक्सरसाइज फ्रॉम चैप्टर नंबर 8। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम तो हम क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 इज दैट यू हैड फाइंड ए बी एंड एन इन द एक्सपेंशन ऑफ ए प्लस बी रेज पावर एन। We are given that the first three terms in the expansion of a plus b raised power n is, first term kaun si hai, 7290 3035। ठीक है, तो हम पहले देखेंगे यहां से ए प्लस बी को अगर हम करेंगे ना, सबसे पहले एक्सपेंड, ये क्या आएगा, एन सी जीरो ए रेज पावर एन बी रेज पावर जीरो, एन सी वन ए रेज पावर एन माइनस वन बी प्लस एन सी टू ए रेज पावर एन माइनस टू बी स्क्वायर। बस फर्स्ट थ्री टर्म्स है, प्लस आएगा यहाँ पे सो लिखने की जरूरत नहीं। हियर फर्स्ट टर्म कौन सी है, एन सी जीरो यानी कि टी वन फर्स्ट टर्म ए रेज पावर एन, और वो किसके बराबर है, 720। सिंप्लीफाई करो, एन सी जीरो होता है बराबर किसके, वन के बराबर। ठीक है, और इट इंप्लाइज दैट ए रेज पावर एन इज इक्वल टू 729। सेकेंड टर्म कौन सी है इसमें, एन सी वन ए रेज पावर एन माइनस वन बी, ठीक है, वो किसके बराबर है, 7290। इसको सिंप्लीफाई करो, एन सी वन होता है एन के बराबर, तो आएगा एन ए रेज पावर एन माइनस वन इंटू बी इज इक्वल टू 7290। नेम दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। और थर्ड टी थ्री किसके बराबर है, एन सी टू ए रेज पावर एन माइनस टू बी स्क्वायर एंड दैट्स 30375। Implies, इसको करेंगे आप सिंपल पे, होएगा एन फैक्टोरियल डिवाइड बाई टू फैक्टोरियल इंटू एन माइनस टू फैक्टोरियल, ये आएगा, और आएगा ए रेज पावर एन माइनस टू बी स्क्वायर इज इक्वल टू 30375। थोड़ा बहुत सिंपलीफाई करेंगे, एन फैक्टोरियल को लिखो एन इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई आएगा टू फैक्टोरियल इन टू फैक्टोरियल इज टू एंड एन माइनस टू फैक्टोरियल इज इक्वल टू, और है ए रेज पावर एन माइनस टू बी स्क्वायर इज इक्वल टू 30375। एन माइनस टू फैक्टोरियल कैंसिल, तो यू विल गेट अप एन इंटू एन माइनस वन डिवाइडेड बाई टू ए रेज पावर एन माइनस टू बी स्क्वायर इज इक्वल टू 30375। नेम दिस इज इक्वेशन नंबर थर्ड। ठीक है जी, तो इस तरीके से आपको इसको पहले अप्रोच करना है। क्यों? क्योंकि आपको कहा गया है कि फर्स्ट थ्री टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस इज गिवन एज 729 जो भी है। इसका मतलब यह होता है कि जब भी आप a प्लस बी रेज पावर n को एक्सपेंड करोगे, फर्स्ट टर्म इसके बराबर है, सेकंड टर्म इसके बराबर है, थर्ड टर्म इसके बराबर है। जब हम एक्सपेंड किए ना, तो फर्स्ट टर्म हमें ये मिला, यानी कि ये होगा फिर बराबर 729 को। n से जीरो होता है 1, यानी कि यू विल गेट a रेज पावर n इज इक्वल टू 729। सेकंड टर्म इज गिवन एज दिस, तो सेकंड टर्म यहां पे इसके एक्सपेंशन में आ रही है, एन सी वन ए रेज पावर एन माइनस वन इंटू बी दैट 7290। इज इट एन सी वन एन होता है तो आएगा एन एरियस फॉर एन माइनस वन इंटू बी इज इक्वल टू दिस एंड सिमिलरली द थर्ड टर्म विल बी इक्वल टू दिस। व्हाट वी हैव टू फाइंड, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी एंड एन। ठीक है, फिर जब आप ए का वैल्यू, अगर किसी को चेक करना फिर पड़ेगा, जब आप ए का वैल्यू मिलेगा, बी का वैल्यू मिलेगा, एन का वैल्यू मिलेगा ना, जब आप उसको एक्सपेंड करेंगे ना, तो आपको पहली टर्म यही मिलेगी, दूसरी टर्म ये मिलेगी और तीसरी टर्म ये मिलेगी। तो चलेंगे आगे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग फर्स्ट एंड किसको करेंगे, थर्ड को, वी गेट मल्टीप्लाइंग फर्स्ट एंड थर्ड। देखो क्या आएगा, फर्स्ट इज ए रेज पावर एन इंटू इसके साथ क्या आएगा, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास है एन इंटू एन माइनस वन डिवाइडेड बाई टू स्क्वायर, मल्टीपल है ए रेज पावर एन जाएगा, मल्टीपल जाएगा ए रेज पावर एन माइनस टू और बी स्क्वायर, वो जाएगा बराबर 729 इंटू जाएगा 30375। ठीक है,
तो वो किसके बराबर आएगा जी? अगर वो आएगा एन इंटू एन माइनस वन डिवाइडेड बाई टू, या आएगा ए रेज बेसिस आर सेम पावर्स होंगे एड, ठीक है? यहाँ पे देखो बेसिस आर सेम पावर्स होंगे एड, तो ये जाएगा ए रेज पावर एन माइनस टू प्लस एन, दिस एन प्लस एन, दिस ए रेज पावर टू एन माइनस टू, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 729 इंटू 30375, नेम दिस इज इक्वेशन नंबर 4, ठीक है? देखो यहाँ पे भी है बी स्क्वायर, यहाँ पे भी है बी स्क्वायर, और यहाँ पे भी है बी स्क्वायर, यहाँ पे ए रेज पावर एन माइनस वन. ओके, तो द नेक्स्ट स्टेप आई कैन डू इज स्क्वायरिंग इक्वेशन सेकंड. वी गेट इक्वेशन सेकंड को स्क्वायर करो, तो एन के ऊपर स्क्वायर आएगा, ए के इस पूरे ऊपर स्क्वायर आएगा, वो आएगा टू एन माइनस टू, बी के ऊपर भी स्क्वायर आएगा, वो आएगा बराबर 7290 इंटू 7290, नेम दिस एज इक्वेशन नंबर 5, ठीक है? फिर करेंगे डिवाइडिंग फोर्थ बाई फिफ्थ, वी गेट क्या मिलेगा जरा देखो, आपको मिलेगा एन इंटू एन माइनस वन बाई टू, ए रेज पावर टू एन माइनस टू, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 729 इंटू 30375 डिवाइडेड बाई 7290 इंटू 7290 होल डिवाइडेड बाई जाएगा यहाँ पे भी एन स्क्वायर, ए रेज पावर टू एन माइनस टू, बी स्क्वायर, ठीक है? डिवाइडिंग को हमने किसके किया, फोर्थ इक्वेशन को हमने डिवाइड किया फिफ्थ इक्वेशन से, तो आएगा एन इंटू एन माइनस वन ए रेज पावर एन माइनस टू बी स्क्वायर बाई टू, ठीक है? डिवाइड जाएगा एन स्क्वायर ए रेज पावर टू एन माइनस टू इंटू बी स्क्वायर, यहाँ पे इसको भी डिवाइड जाएगा फिफ्थ 729 इंटू 30375 डिवाइड बाई 7290 इंटू 7290, ठीक है? देखो 729 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ आपको मिलेगा 30375 डिवाइडेड बाई मिलेगा 7290 और ये जीरो आएगा 7290 ए रेज पावर एन माइनस टू ए रेज पावर टू एन माइनस टू कैंसिल, बी स्क्वायर कैंसिल, यहाँ पे अगर आप देखेंगे आएगा एन स्क्वायर माइनस एन, या आएगा ऐसे एन स्क्वायर माइनस एन डिवाइडेड बाई टू होल डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर. चलो इसको मैं नेक्स्ट स्टेप में सिंप्लीफाई करूंगा, आप इसको देख लीजिए यहाँ तक. ओके, तो हमें क्या मिला, हमें आ गया एन इंटू एन माइनस वन डिवाइडेड बाई टू डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर इज इक्वल टू किसके बराबर है 30375 7290, ठीक है? टू ये ऊपर जाएगा तो ये जाएगा एन इंटू एन माइनस वन डिवाइडेड बाई टू एन स्क्वायर इज इक्वल टू 30375 डिवाइडेड बाई 7290. एक एन एन कैंसिल, आएगा एन माइनस वन बाई टू एन इज इक्वल टू, इसको आप कर सकते हैं डिवाइड किससे, 3062 से आप इसको डिवाइड करोगे ना, तो यू विल एंड अप विद 5 डिवाइडेड बाई 12. यू विल एंड अप विद 5 डिवाइडेड बाई 12, तो इंप्लाइज आएगा 12 एन माइनस 12 इज इक्वल टू 5 टू 10 एन, इंप्लाइज इसको इधर लेके जाओ 12 एन माइनस 10 एन इज इक्वल टू 12, 12 में से 10 निकालो तो 2n इज इक्वल टू 12, n इज इक्वल टू 6, n आ गया 6 तो a का भी मिलेगा, पुट n इज इक्वल टू 6 इन फर्स्ट इक्वेशन. अब फर्स्ट इक्वेशन क्या थी यार, फर्स्ट इक्वेशन आई थी a रेज पावर n की बराबर 729 को, ठीक है? तो इसमें आएगा a रेज पावर n, n का वैल्यू है 6, 729 को आप लिख सकते हैं 3 रेज पावर 6, 3 तीन 9 तीन 27 तीन 81 तीन 243 तीन 729, यस. तो यू विल एंड अप विद n इज इक्वल टू 6 आ गया, पुट द वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 6 इन इक्वेशन नंबर 1, उधर बोथ ए रेज पावर n इज इक्वल टू 729, तो ए रेज पावर n को दोगे आप 6 इज इक्वल टू 729 को मैं लिख सकता हूं 3 रेज पावर 6, 3 रेज पावर 6 इज 729. जब ये इक्वल होंगे इनके पावर्स तो इट इंप्लाइज के a होगा बराबर 3, a हो गया 3, a का भी वैल्यू मिला, n का भी वैल्यू मिला, बचा कौन सा b. पुट दीज वैल्यूज, पुट वैल्यू ऑफ n एंड a इन इक्वेशन नंबर सेकंड. अब सेकंड याद है किसी को क्या थी, वो थी एन सी वन
रेज पावर एन माइनस टू बी इज इक्वल टू 7290, शायद यही थी, यानी कि वो थी एन सी माइनस एन, ये चीज थी हमारे इक्वेशन नंबर सेकंड में. जब आप करेंगे तो वी गेट, देखो एन का वैल्यू है 6, ए का वैल्यू है 3, एन का वैल्यू है 6 माइनस 3 3, 6 माइनस 2 इज इक्वल टू 4, सॉरी बी इज इक्वल टू 7290, 3 रेज पावर 4, देख चलो यहां पे आएगा बी 3 रेज पावर 4 इज इक्वल टू 7290 डिवाइडेड बाई 6, वो कितना आएगा बी, तो 3 3 दे 9 दे 27 दे 81 इंटू जाएगा 81. इसको आप जगह सिंपलीफाई करो तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ बी एज, सिंपलीफाई करने के बाद आपको मिलेगा इसका वैल्यू बी इज इक्वल टू 7290 डिवाइड बाई 6 इंटू 3 रेज पावर 4 6 6, 6 माइनस यहाँ पे 6 माइनस 1 था, n माइनस 1 है यहाँ पे, सेकंड इक्वेशन जो थी n a रेज पावर n माइनस 1 b, यानी कि 6 माइनस 1 विल बी इक्वल टू 5, 3 3 जा 9, 3 जा 21, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81, 81 3 जा 243, 243 इंटू 3 इज इक्वल टू 729, ये चीज आएगी. ठीक है, तो आप इसको सिंपलीफाई करो तो यू विल एंड अप विथ बी इज इक्वल टू 6 इंटू गलत कर रहा हूं मैं शायद, चलो इस पे दे दो आप वैल्यू ऑफ, ये है इक्वेशन नंबर सेकंड, एन ए रेज पावर एन माइनस वन में, क्योंकि मैंने इसको मिटा दिया जगह, तो एन का वैल्यू है 6, ए का वैल्यू है 3, रेज पावर एन माइनस पहले था इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर सेकंड तो यही थी शायद, एन माइनस वन, एन इज 6 माइनस 1 इज 5, ठीक है, इंटू बी, बी जाएगा इज इक्वल टू 7290, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ बी इज इक्वल टू 7290 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 3 रेज पावर 5, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81, 81 3 जा 243, इस तरीके से आएगा. ठीक है, तो मैं गलत लिख रहा था, 243 सिंपलीफाई करने के बाद यू विल गेट बी इज इक्वल टू 5, तो आपको ए का वैल्यू मिला 3, बी का वैल्यू मिला 5, एन का वैल्यू मिला 6, तो ये आपको बस करना था इतना. ठीक है, तो बस सिंपलीफिकेशन कर लिया और जगह कुछ नहीं करना है. तो अगर आप उस इक्वेशन में आप दोगे क्या था, ए प्लस बी, ए का वैल्यू 3 प्लस बी क्या है 5, रेज पावर एन है 6, देखो इसकी फर्स्ट टर्म 60, 3 रेज पावर 6, 61, 3 रेज पावर 5 इंटू 5, 62, 3 रेज पावर 4 इंटू 5 स्क्वायर, करो इसको सिंपलीफाई. पहली आपको टर्म जो थी ना दैट वाज 729, जब आप इसको सिंपलीफाई करोगे वो आएगा 729, सेकंड टर्म थी 7290, इसको सिंपलीफाई करो यू विल गेट अप 7290, थर्ड टर्म था शायद 30375, इसको सिंपलीफाई करो यू विल एंड अप विद 3037, करने की जरूरत नहीं, मैं बस दिखा रहा हूँ किस तरीके से आप इसको चेक कर सकते हो हमारा वैल्यू ए बी और सी ठीक है, ए बी एन वैल्यू ऑफ एन ठीक आया कि नहीं आया, तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो. मूविंग फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर सेकेंड, क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, you have to find a in the coefficients of x square and x cube in the x, find a if the coefficients of x square and x cube, dekho question hai, you have to find the value of a if the coefficients of x square and x cube, if the coefficients of x square and x cube in the expansion of 3 plus ax raised power 9 are equal, yani ki aapko keh raha hai ki aapko is value of a ko nikalna hai जबकि कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स क्यूब इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस दे आर इक्वल, दे आर सी हियर सॉल्यूशन, वी हैव 3 प्लस ए एक्स रेज पावर 9, एक्सपेंड करेंगे बाय बाइनोमियल एक्सपेंशन से, एक्सपेंडिंग बाय
बाइनोमियल थ्योरम वी गेट क्या मिलेगा, देखो 9C0 3 रेज पावर 9 ये तो आएगा 0 प्लस 9C1 3 रेज पावर 8 AX प्लस 9C2 3 रेज पावर 7 AX स्क्वायर 3 तक जाना है क्योंकि X स्क्वायर और X क्यूब है हाँ प्लस 9C3 3 रेज पावर 6 AX क्यूब बस प्लस वन गिवन क्या है कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर एंड एक्स क्यूब आर इक्वल देयरफॉर व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ये रहा इट्स 9C2 3 रेज पावर 7 ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ये आएगा ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आएगा 9C2 3 रेज पावर 7 ए स्क्वायर दे आर इक्वल मीन्स वो इक्वल है किसके द कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब वो आएगा 9C3 3 रेज पावर 6 ए रेज पावर 3 ठीक है क्या क्या कैंसिल होगा ए स्क्वायर यहाँ पे एक ए बचेगा 3 रेज पावर 6 यहाँ पे सिर्फ एक 3 बचेगा तो यू विल एंड अप विद 9C2 3 बस इज इक्वल यहाँ पे आएगा 9C3 3 रेज पावर 6 तो कैंसिल हो गया यहाँ पे आएगा वैल्यू ऑफ ए ठीक है सिंपलीफाई करो आएगा 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 9 माइनस 2 इज 7 फैक्टोरियल और मल्टीपल है 3 आएगा 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल 9 माइनस 3 इज 6 फैक्टोरियल इंटू आएगा 8 ठीक है सिंपलीफाई और आगे चलेंगे तो आएगा 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल को लिखो 2 इंटू 1 इज 2 इंटू 7 फैक्टोरियल और इंटू है 3 यहाँ पे 9 फैक्टोरियल को लिखोगे आप 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल को लिखो 3 इंटू 2 इंटू 1 सो इंटू है 6 फैक्टोरियल और इसके साथ है 8 6 फैक्टोरियल कैंसिल 3 वन जा 3 3 3 जा 9 2 वन जा 2 2 4 जा 8 2 7 फैक्टोरियल कैंसिल 2 वन जा 2 2 4 जा 8 हाँ इट इम्प्लाइज व्हाट कितना आएगा 9 इंटू 4 इंटू 3 यही आएगा इज इक्वल यहाँ पे क्या मिला 3 इंटू 4 इंटू 7 इंटू 8 यही चीज है 3 3 गयो 4 4 गयो इंप्लाइज यू विल गेट 9 इज इक्वल टू 7 ए ए इज इक्वल टू 9 बाय 7 ए इज इक्वल टू 9 बाय 7 A is equal to 9 divided by you will end up with A is equal to 9 by 7 ठीक है बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये इसके एक्सपेंशन को जब आप करोगे तो कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर एंड कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब इक्वल तो आपको इसको एक्सपेंड करना है लेना पड़ेगा x क्यूब तक की बस उसके आगे नहीं क्योंकि क्वेश्चन में पूछा ही गया था कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर एंड कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज x स्क्वायर को छोड़ के आएगा 9C2 3 रेज पावर 7 A स्क्वायर एक्स क्यूब का क्वेश्चन आएगा 9C3 3 रेज पावर 6 ए क्यूब दे आर इक्वल क्वेश्चन बोल रहे हैं दे आर इक्वल तो यानी कि इन दोनों के क्वेश्चंस इक्वल होंगे सिंपलीफाई करो ठीक है तो सिंपलीफाई करने तक हमें ए का वैल्यू मिला 9 डिवाइडेड बाई तो यहाँ पे ए जो है वो आएगा 9 बाई 7 ठीक है चलेंगे आगे फर्दर क्वेश्चन नंबर 3 इज दिस यू हैव टू फाइंड द कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स रेज पावर 5 यू हैव टू फाइंड द कोएफिशिएंट्स ऑफ You have to find the coefficient of x power 5 in the expansion of the product of using binomial theorem. Question number 3, देखो क्या है? आपको निकालना है coefficient of x raised power 5. किस में? In the expansion of 1 minus 2x raised power 6 into 1 minus x raised power 7. तो आपको निकालना है coefficient of x raised power 5. तो हमें क्या करना है? इसको अलग से पहले करेंगे फिर इसको अलग एक्सपेंड करेंगे दोनों को मल्टीपल देंगे फिर हम देखेंगे व्हाट्स द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स रेज पावर 5 सेम सॉल्यूशन वी विल एक्सपेंड 1 माइनस 2x रेज पावर 6 बाय बाइनोमियल थ्योरम वी हैव क्या आएगा 1 माइनस 2x रेज पावर 6 का जरा बोलो 6C0 1 रेज पावर 6 6C1 रेज पावर 5 लिखने की जरूरत नहीं है और माइनस 2x इंट्रोड्यूस होगा 6C2 माइनस 2x
स्क्वायर जाएगा, 6c3 माइनस 2x 3 जाएगा, 6c4 माइनस 2x 4 जाएगा, 6c5 माइनस 2x 5 जाएगा, 6c6 माइनस 2x 6 जाएगा, क्योंकि 1 जो है 1 का पावर यहाँ पे 1 रेज पावर 6, 1 रेज पावर 5, 1 रेज पावर 4, 1 रेज पावर 3, 1 रेज पावर 2, 1 रेज पावर 1, 1 रेज पावर 0, ठीक है। और इसका पावर ये जो है माइनस 2x रेज पावर 0, 1, 2, 3, 4, 5, तो जहां तक आपको n है 6 तक सिंपलीफाई करना पड़ेगा। 60 इज 1, 61 इज 6 माइनस 2x, 62 किसके बराबर आएगा करना पड़ेगा जगह, 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल इनटू 6 माइनस 2 इज 4 फैक्टोरियल, 6 इनटू 5 इनटू 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 इनटू 4 फैक्टोरियल, गयो गयो 2 1 2 2 3 इज 6, 5 3 इज 15, 62 इज 15 माइनस 2x रेज पावर स्क्वायर, इसको मैं चलो कर लेंगे फिर प्लस 63 मेरे हिसाब से आएगा 20, 63 आएगा 20, 6 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल इनटू 6 माइनस 3 3 फैक्टोरियल, 6 इनटू 4 5 इनटू 4 4 इनटू 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल को लिखो 3 इनटू 2 इनटू 1 इनटू 3 फैक्टोरियल, गयो गयो 3 1 जा 3 3 2 जा 6 2 और 2 गयो 5 4 जा 20, ये आएगा 20 माइनस 2x रेज पावर 3 प्लस 64 आएगा 15 माइनस 2x रेज पावर 4 प्लस 65 आएगा 6 माइनस 2x रेज पावर 5, 66 होगा 1 माइनस 2x रेज पावर 6, ठीक है। सिंपलीफाई करना पड़ेगा 1 माइनस 12x प्लस, देखो 2 ये है माइनस 2 रेज पावर 2, ऊपर है इवन पावर तो यहां पे बनेगा प्लस, ठीक है। ये बनेगा 15 इंटू 2 टू जा 4x स्क्वायर, ये आएगा 15 इंटू 4x स्क्वायर, ठीक है। 15 इंटू 4 इज इक्वल टू 60, मैं यहां पे लिखूंगा 60x, यहां पे क्यूब है तो ये बनेगा माइनस, ये बनेगा 2 टू जा 4 टू जा 8, 8 इंटू 20, 8 इंटू 20 8 जीरो जीरो 8 टू जा 16, तो आएगा 160 x क्यूब माइनस, यहाँ के पास पावर इवन है तो ये बनेगा प्लस, ये बनेगा 2 टू जा 4 टू जा 8 टू जा 16, 2 टू जा 4 टू जा 8 टू जा 16, इट्स 15 इंटू 16, ठीक है। 15 इंटू 16 x रेज पावर 4, ये कितना बनेगा 16 बच्चे हो गए 80, 16 के शुरा शुरा सौ के बहुत सौ और गए 240 आएगा, 240 x रेज पावर 4, ठीक है। यहाँ पे माइनस आएगा फिर और ये आएगा 6 इंटू 2 टू जा 4 टू जा 8 टू जा 16 टू जा 32 इंटू 6, 6 टू जा 12, 6 थ्री जा 18, 18 प्लस 1 इज 19, फिर माइनस 192 x रेज पावर 5, फिर आएगा माइनस, यहाँ पे इवन पावर है तो प्लस 2 टू जा 4 टू जा 8 टू जा 16, 16 टू जा 32 जा 64, तो यहाँ पे आएगा 64 x रेज पावर 6। तो दिस इज द एक्सपेंशन ऑफ 1 माइनस 2 x रेज पावर 6, 1 माइनस 2 x रेज पावर 6 का एक्सपेंशन। इसको मुझे इसमें बंद करके रखना पड़ेगा क्योंकि ये मुझे जरूरत है। देख लो इसको, हम फिर अब इसको एक्सपेंड करेंगे, फिर इसको हम सिंपलीफाई करेंगे। देख लो एक बार, क्वेश्चन इज एक्चुअली 1 प्लस 2x रेज पावर, प्लस 2x था जिगर, तो आप इसको प्लस प्लस करते जाओ तो यानी कि हर कोई टर्म फिर प्लस आएगी, हर कोई टर्म प्लस आएगी, ठीक है। हमने गलत लिया था, मैंने लिया था 1 प्लस माइनस 2x, एक्चुअली क्वेश्चन इज 1 प्लस 2x एंड 1 माइनस x रेज पावर दिस, तो यहां पे क्या होगा फिर हर कोई जो टर्म है ना वो हर कोई टर्म आपको मिलेगी पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, ऊपर भी आप इसको करोगे पॉजिटिव, ठीक है।
तो मैंने 1 माइनस 2x दिया था, जब क्वेश्चन था 1 प्लस 2x, तो इसको आप फिर हर कोई टर्म पॉजिटिव में मिलेगी, कोई टर्म नेगेटिव में नहीं मिलेगी। अब हम कहेंगे नाउ 1 माइनस x रेज पावर 7 को, 7c0 1 रेज पावर 7, 7c1 1 रेज पावर 6 लिखने की जरूरत नहीं है, और माइनस x इंट्रोड्यूस होगा 7c2 माइनस x स्क्वायर, 7c3 माइनस x क्यूब, 7c4 माइनस x फोर, 7c5 माइनस x फाइव, 7c6 माइनस x सिक्स, 7c7 माइनस x रेज पावर 7। बस यहां तक जाना पड़ेगा 7। 7c0 इज 1, 7c1 इज 7, 7 इंटू माइनस x माइनस 7x। 7c2 देखो, 7 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल, 7 माइनस 2 इज 5 फैक्टोरियल, 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 इंटू 5 फैक्टोरियल, ये हो गया 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 7 3 जा 21, ये आएगा 21। और यहां पे देखो माइनस एक्स स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर, यहां पे आएगा माइनस एक्स क्यूब, तो आएगा माइनस यहां पे एक्स क्यूब। 7c3 को करना पड़ेगा आपको, 7c3 को ऊपर करना पड़ेगा, 7 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, 7 माइनस 3 इज 4 फैक्टोरियल, 7 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल को लिखो 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 4 फैक्टोरियल, गया 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 गया, तो आपको मिलेगा 7 5 जा 35, यहाँ पे मिलेगा 35 एक्स क्यूब, ठीक है, प्लस एक्स रेज पावर 4 मिलेगा, एक्स रेज पावर 4 ही, तो 7c4 को करना पड़ेगा। आई थिंक 7c4 का वैल्यू मिलेगा वही जो यहाँ पे मिला 21 का, 7c4, 7 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 4 फैक्टोरियल इंटू 7 माइनस 4 इज 3 फैक्टोरियल, नहीं तो आएगा बराबर 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है, वो तो हमने शायद किया था 7 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, वाई था 7 5 जा 35, तो यहाँ पे भी फिर आएगा 35, ठीक है, प्लस यहाँ पे 7c5, हाँ 7c5 का वैल्यू मिलेगा आपको 21, आई थिंक 7c5, देखो 7 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 5 फैक्टोरियल, 7 माइनस 5 इज 2 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल, वो आया था 7 3 जा 21, तो 7c5 का वैल्यू आएगा 21, जबकि x रेज पावर माइनस 5 है तो माइनस बाहर आएगा, तो आएगा x रेज पावर 5, ठीक है, तो और 7c6 का वैल्यू मिलेगा आपको 7, x रेज पावर 6, क्योंकि यहाँ पे ऑड पावर है तो माइनस, 7c7 इज 1 माइनस x रेज पावर 7, तो ये आपको मिला एक्सपेंशन ऑफ 1 माइनस x रेज पावर 7, ये दो टर्म्स आपको मिली, ये मुझे सबसे इंपॉर्टेंट जो चाहिए था बस वो ये चाहिए, बस एक्सपेंशन करना था और इनको थोड़ा बहुत सिंपलीफाई करना था। तो अब आपको चाहिए क्या, क्वेश्चन बोल रहा है दैट यू हैव टू फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स रेज पावर 5, तो आप लिखेंगे देयरफॉर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स रेज पावर 5 इन किस में था, 1 प्लस 2 एक्स रेज पावर 6 इंटू 1 माइनस एक्स रेज पावर 7 इज इक्वल टू, यानी कि इन दोनों को आपको मल्टीपल करना पड़ेगा, 1 प्लस 12 एक्स प्लस 60 एक्स स्क्वायर प्लस 160 एक्स क्यूब प्लस 240x4 प्लस 192 x raised power 5 प्लस 64 x raised power 6, मल्टीपल देना पड़ेगा ये वाली टर्म, इसका एक्सपेंशन 1 माइनस 7x प्लस 21x स्क्वायर 35x क्यूब 35x4 21x5 7x6। अब देखो क्या करना पड़ेगा, विच इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ x रेज पावर 5 आएगा बराबर डैश डैश डैश, उन टर्म्स को आप मल्टीपल दोगे अब जिसमें x रेज पावर 5 आएगा, बस बाकी सारी टर्म्स को नेगलेक्ट करोगे। देखो इस 1 को किससे मल्टीपल मिलेगा कि x रेज पावर 5 जहां आपको मिलेगा, तो 1 इंटू दिस टर्म माइनस 21 x रेज पावर 5, एक तो ये आए, ठीक है, मुझे सिर्फ चाहिए कोएफिशिएंट ऑफ एक्स रेज पावर 5 और मुझे कुछ चाहिए नहीं, तो मुझे देखना पड़ेगा किस टर्म को मैं किसके साथ मल्टीपल दूं,
ताकि मुझे मिलेगा एक्स रेज पावर फाइव। तो वन को मैं दूंगा -21 रेज पावर एक्स रेज पावर फाइव से, तो मुझे मिला एक्स रेज पावर फाइव का कोफिशियंट, शाबाश, प्लस 12x है। अब इस 12x को यहां पे आप किससे मल्टीपल दोगे, एक्स रेज पावर इस टर्म से, क्योंकि x इंटू एक्स रेज पावर फोर इज एक्स रेज पावर फाइव, बात समझ आई। तो इसको मैं दूंगा 12x को मैं मल्टीपल दूंगा किसके साथ, 12x को मैं मल्टीपल दूंगा 35 एक्स रेज पावर फोर से, क्योंकि x रेज पावर फोर इंटू एक्स इज एक्स रेज पावर फाइव, प्लस फिर है 60x स्क्वायर। 60x स्क्वायर को किसके साथ मल्टीपल दोगे, क्या एक्स रेज पावर फाइव, यहां पे अगर दोगे तो एक्स रेज पावर फाइव नहीं आएगा, यहां पे आज दोगे मल्टीपल नहीं, यहां पे दोगे तो नहीं, यहां पे देना पड़ेगा -35x³ के साथ, एक्स रेज पावर थ्री एक्स रेज पावर टू इज एक्स रेज पावर फाइव, ध्यान से देना पड़ेगा, ठीक है। प्लस फिर है 160x³। अब एक्स क्यूब है, यहां पे देखो वन के साथ दोगे तो एक्स क्यूब, इसके साथ आएगा एक्स रेज पावर फोर, इसके साथ दोगे तो आएगा एक्स रेज पावर फाइव, 21x² प्लस 240x रेज पावर फोर। अब एक्स रेज पावर फोर को किसके साथ मल्टीपल दोगे, क्या आपको मिलेगा एक्स रेज पावर फाइव, सीधी सी बात है -7x के साथ, एक्स रेज पावर फोर इंटू एक्स इज एक्स रेज पावर फोर फाइव, ठीक है। प्लस 192x रेज पावर फाइव को मल्टीपल किसके साथ दोगे, तो आपको सीधी सी बात है सिर्फ वन के साथ ही देना पड़ेगा, बिकॉज किसी और के साथ दोगे तो वो फाइव से ज्यादा होगा। फिर यहां पे 64x रेज पावर सिक्स, अब इसको आप किसी के साथ नहीं दे सकते हो, क्योंकि वन को के साथ दोगे तो एक्स रेज पावर सिक्स आएगा, फिर यहां पे आएगा सेवन, यहां पे तो फिर बड़े बड़े एक्स रेज पावर आएंगे, तो इसके इसको किसी के साथ मल्टीपल नहीं देना पड़ेगा। यानी कि आपको पहले इसको उठाना है, देना है मल्टीपल, हर एक टर्म के साथ देना नहीं है, सिर्फ उस टर्म के साथ आप इसको मल्टीपल दोगे जिससे आपको मिलेगा एक्स रेज पावर फाइव। तो यहाँ पे था -21x रेज पावर फाइव, ठीक है। फिर नेक्स्ट टर्म, इसको भी सारे टर्म्स के साथ मल्टीपल नहीं देना है, क्योंकि हम बाकी टर्म्स को नेग्लेक्ट कर रहे हैं। तो 12x को मल्टीपल किसके साथ दोगे कि आपको मिलेगा एक्स रेज पावर फाइव, तो सीधी सी बात है मैं दूंगा 35x रेज पावर फोर से, बिकॉज एक्स रेज पावर फोर इंटू एक्स इज एक्स रेज पावर फाइव, यहाँ पे एक्स रेज पावर थ्री इंटू एक्स स्क्वायर इज एक्स रेज पावर फाइव। सिमिलरली यहाँ पे 240x रेज पावर 4 को सबके साथ नहीं देने मल्टीपल, उसके साथ मल्टीपल दोगे जिसके साथ x रेज पावर 5 आएगा, तो x रेज पावर 4 को मैं इसके साथ x के साथ दूंगा मल्टीपल, बिकॉज देखो x रेज पावर 4 इंटू एक्स, ठीक है, तो वो आएगा x रेज पावर 5। बस आपको फिर कोफिशियंट्स निकालने थे, देयर फॉर कोफिशियंट्स ऑफ x रेज पावर 5 इज -21 प्लस 12 इंटू 35 प्लस ये आएगा प्लस माइनस माइनस है -35 इंटू 60 तो आएगा प्लस 21 इंटू 160 ये आएगा -7 इंटू 240 आएगा प्लस 192 क्योंकि ये भी एक्स रेज पावर 5 आएगा ये भी एक्स रेज पावर 5 आएगा यहाँ पे 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 भी एक्स रेज पावर 5 आएगा। तो आपको चाहिए सिर्फ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स रेज पावर 5, इन सब को आप लेंगे फिर एक्स रेज पावर फाइव बाहर, ठीक है। तो वो आपको क्या मिलेगा, फिर इसको सिंपलीफाई करने के बाद जो आपको मिलेगा द कोफिशिएंट ऑफ एक्स रेज पावर फाइव विल बी इक्वल टू 171। क्या मिलेगा द कोफिशिएंट ऑफ, यह आएगा ऐसे जब आप इसको सिंपलीफाई करोगे वो आएगा बराबर एक्स रेज पावर 5, ठीक है। तो इंप्लाइज कोफिशिएंट ऑफ एक्स रेज पावर फाइव इज 170। इस तरीके से आप इन क्वेश्चन को कर सकते हो, ठीक है। तो फिर क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ जाएंगे, बहुत ईजी था बट कैलकुलेशन थोड़ी बहुत बड़ी थी, अदरवाइज हमें बस दो सिंपल इक्वेशन थे दिए बाइनोमियल, इनको एक्सपेंड करना था, मल्टीपल देना था, बस थोड़ा बहुत कैलकुलेशन इसमें ज्यादा है और कुछ नहीं, ठीक है। सो दैट If A and B are distinct integers, अगर A और B है different integer, पर integer है, याद रखिए। Prove that A minus B is a factor of A raised power n and B raised power n. You have to prove that A minus B is a factor of A raised power n minus B raised power n. ठीक है? While n is a positive integer, देखो, question क्या है? A और B जो है, they are integers. आपको प्रूव करना है दैट a माइनस बी जो है इज अ फैक्टर ऑफ a रेज पावर n माइनस b रेज पावर n, यानी कि आपको इस तरीके से दिखाना है।
अगर आप दिखाने में कामयाब हो गए, ए रेज पावर एन माइनस बी रेज पावर एन इज इक्वल ए माइनस बी इंटू सम इंटीजर इंटू सम, इसका मतलब हो गया ए माइनस बी विल बी अ फैक्टर ऑफ दिस, यानी कि 24 होगा यहाँ पे 6 इंटू होगा 19, 19 इज एन इंटीजर, तो मैं यहाँ पे बोलूंगा ना 6 इज ए फैक्टर ऑफ 24, 6 इज ए फैक्टर ऑफ, फिर इसके साथ मल्टीपल में कोई भी इंटीजर अगर होगा, लेकिन यहाँ पे जो ये टर्म है 6, 6 डिवाइड करता है 24 को। अगर इस क्वेश्चन को आप इस तरीके से दिखाने में कामयाब हो गए, यहां पे सीधी सी बात है, एन को कुछ भी वैल्यू दे दो, अगर एन को 1 देंगे तो यहां पे ए रेज पावर 1 माइनस बी रेज पावर 1 इज इक्वल ए माइनस बी, यहां पे कुछ इंटीजर होगा, ए माइनस बी डिवाइड करेगा ना ए माइनस बी को। चलो 2 दे दो, ए 2 बी 2, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू सम इंटीजर, ये a माइनस बी इसको डिवाइड करेगा, एग्जैक्टली a माइनस बी आएगा a प्लस बी, ठीक है। तो ये चीज हमें दिखानी है कि अगर a और b है डिस्टिंक्ट इंटीजर्स, देन यू हैव टू प्रूव दैट दैट a माइनस बी इज अ फैक्टर ऑफ a रेज पावर n एंड b रेज पावर n, ठीक है। तो हम देखिए कैसे क्वेश्चन को करेंगे, हम करेंगे राइट a माइनस बी, राइट अब देखो हम इसको कैसे करेंगे, हम लिखेंगे राइट a माइनस बी प्लस बी इंस्टेड ऑफ a इन ए रेज पावर एन माइनस बी रेज पावर एन, ए के बदले ये चीज लिख पाओगे, यानी कि ए के बदले मैं बोल रहा हूं आप लिखो ए माइनस बी प्लस बी रेज पावर एन और माइनस बी रेज पावर एन, मैं बोल रहा हूं ए के बदले आप लिखोगे क्या ए माइनस बी प्लस बी, ए माइनस बी प्लस बी लिखोगे आप ए के बदले, इसमें a के बदले आप क्या लिखोगे a माइनस बी प्लस बी, a माइनस बी प्लस बी, उसके ऊपर n है a पर n है माइनस b रेज पावर n है माइनस b रेज पावर n, इसको आप एक्सपेंड करो बाइनोमियल एक्सपेंशन से, वो क्या आएगा यहाँ पे क्या है तो आप लिखोगे a रेज पावर n माइनस b रेज पावर n को आप इस तरीके से लिखोगे, वी गेट a रेज पावर n माइनस b रेज पावर n इज इक्वल टू a के बदले लिखोगे a माइनस b प्लस b रेज पावर n है माइनस b रेज पावर n है, ठीक है। Implies a raise power n minus b raise power n किसके बराबर आएगा, इसको expand करो n c 0 a minus b raise power n b अभी 0 होगा n c 1 a minus b raise power n minus 1 b introduce होगा n c 2 a minus b n minus 2 b square plus so on plus last जाएगा n c n तक और आएगा b raise to power n, क्योंकि b के पावर्स इंक्रीज हो रहे हैं, b b स्क्वायर b क्यूब लास्ट जाएगा b रेज पावर n और माइनस है b रेज पावर n और माइनस है इसके साथ क्या ये टर्म माइनस b रेज पावर n अलग है, ये चीज अलग है, ठीक है। हम यहां से क्या करेंगे चलो एक और स्टेप बढ़ा देंगे, जाएगा एन सी जीरो a माइनस b रेज पावर n प्लस एन सी वन ए माइनस बी रेज पावर एन माइनस वन बी एन सी टू ए माइनस बी रेज पावर एन माइनस टू बी स्क्वायर प्लस सो ऑन प्लस इससे पहले जो टर्म होगी वो याद है किसी को क्या होगी एन सी वो आएगी एन माइनस वन ए माइनस बी यही होगा बी रेज पावर एन माइनस वन प्लस ये टर्म है फिर एन सी एन a माइनस बी इससे पहले यहां पे a माइनस बी रेज पावर जीरो इससे पहले जो टर्म होगी उसमें होगा a माइनस बी रेज पावर वन यहां पे b रेज पावर n यहां पे इससे पहले आएगी b रेज पावर n माइनस वन यहां पे b रेज पावर n बट ये टर्म जो है n c n होता है वन क्या होता है तो यह आएगा n c n इज वन तो यह आएगा वन इंटू b रेज पावर n इज b रेज पावर n और माइनस है b रेज पावर n ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो आपके पास जो मिलेगा वो सिर्फ इतना रहेगा नेक्स्ट स्टेप में बस इतना रहेगा मैंने दो स्टेप्स को यहां पे किया एक साथ देखो ये टर्म सेम सेम सेम
इससे पहले जो टर्म होगी वो आएगी एन सी एन माइनस वन, ये तो n है तो इससे पहले आएगी एन सी एन माइनस वन, इसमें a माइनस बी रेस पावर जीरो है तो इससे पहले आएगा a माइनस बी रेस पावर वन, और b रेस पावर आएगा जो यहाँ पे पावर है b रेस पावर n माइनस वन, ठीक है। फिर ये टर्म आएगी एन सी एन, एन सी एन इज वन, वन इंटू बी रेस पावर एन इज बी रेस पावर एन, और माइनस से बी रेस पावर एन प्लस माइनस बी रेस पावर एन कैंसिल, तो यू विल एंड अप विद दिस टर्म, ठीक है। यहां से मैं लूंगा a माइनस बी कॉमन, जरा बताओ यहां पे क्या आएगा, फिर एन सी जीरो ए माइनस बी, जब आपने एक निकाला बाहर तो यहां पे क्या आएगा एन माइनस वन, एन माइनस वन प्लस वन वो वापस आएगा एन, एन सी वन यहां पे आएगा ए माइनस बी रेज पावर एन माइनस टू बी, क्या आएगा एन सी टू ए माइनस बी रेज पावर एन माइनस थ्री, देखो ए माइनस बी रेज पावर एन माइनस थ्री इंटू करो ए माइनस बी रेज पावर वन, बेसिस आर सेम पावर सुन के है, आएगा a माइनस बी रेज पावर n माइनस थ्री प्लस वन इज n माइनस टू, वही लिखा मैंने, और इसके साथ है b स्क्वायर प्लस सो ऑन प्लस लास्ट आएगा n c n माइनस वन, a माइनस बी मैंने बाहर निकाला तो a माइनस बी आएगा नहीं, सिर्फ b रेज पावर n माइनस वन आएगा, ठीक है, ये चीज आपके पास आएगी। तो यहां पे क्या है, इसके लेफ्ट साइड में a रेज पावर n माइनस बी रेज पावर n, कैन आई राइट दिस, इट्स इंप्लाइज a रेज पावर n माइनस बी रेज पावर n इज इक्वल टू a माइनस बी इनटू सम इंटीजर, जब आप इसको करोगे ना, देखो एन सी जीरो क्वेश्चन में गिवन है n इज ए पॉजिटिव इंटीजर, क्वेश्चन में गिवन है और n इज ए पॉजिटिव इंटीजर, n इज ए पॉजिटिव इंटीजर, a और b भी इंटीजर गिवन है, n भी इंटीजर है, जब ये भी इंटीजर है, ए भी इंटीजर है, बी भी इंटीजर है, एन भी इंटीजर है, तो ये इंटीजर आएगा, ये भी इंटीजर होगा, ये भी इंटीजर होगा, ये भी इंटीजर होगा, तो ए माइनस बी इंटू सम इंटीजर में लिख सकता हूं, जब ए माइनस बी इंटू सम इंटीजर होगा तो इसका मतलब हो गया ए रेज पावर एन माइनस बी रेज पावर एन को ए माइनस बी एग्जैक्टली डिवाइड करेगा, जब डिवाइड करेगा तो हम बोलेंगे इम्प्लाइज ए माइनस बी इज ए फैक्टर ऑफ ए रेज पावर एन माइनस बी रेज पावर एन, बस इतना है, इसमें पूरा कॉन्सेप्ट जाता है, एवरीथिंग जो इसमें जाएगा वो कॉन्सेप्ट पे जाएगा कि किस तरीके से हम इसको करेंगे, और जब आप यहां पे पहुंचेंगे डायरेक्टली आप ये लिखेंगे, बिकॉज अभी मैंने आपको दिखाया था 50 इज इक्वल टू 10 इंटू 19, 10 एग्जैक्टली इसको डिवाइड करेगा, मैं बोलूंगा 10 इज ए फैक्टर ऑफ 50, 10 इज ए फैक्टर ऑफ 50, सेम केस यहां पे a माइनस बी इज इक्वल टू a रेज पावर n माइनस b रेज पावर n इनटू सम इंटीजर, इसका मतलब होगा ये इसको एग्जैक्टली डिवाइड करेगा। सो अगर आप देखना भी चाहेंगे n को वैल्यू 1 दे दो तो a माइनस बी को एग्जैक्टली डिवाइड करेगा, 2 दे दो तो भी a माइनस बी इसको डिवाइड करेगा, 3 दे दो तो भी a माइनस बी इसको डिवाइड करेगा, तो इसका मतलब हो गया दैट a माइनस बी इज ए फैक्टर ऑफ a रेज पावर n माइनस b रेज पावर n। क्वेश्चन नंबर 5 पे जाएंगे, अब ये क्या है, ये आपको करना है, सॉल्व करना पड़ेगा, यू हैव टू इवॉल्व विद दिस क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन नंबर 5, करो बाइनोमियल एक्सपेंशन 60 अंडर रूट 3 रेज पावर 6 प्लस 61 अंडर रूट 3 रेज पावर 5 अंडर रूट 2 इंट्रोड्यूस होगा, 62 अंडर रूट 3 रेज पावर 4 अंडर रूट 2 रेज पावर 2, 63 अंडर रूट 3 रेज पावर 3 अंडर रूट 2 रेज पावर 3 प्लस 64 अंडर रूट 3 रेज पावर 2 अंडर रूट 2 रेज पावर 4, 65 अंडर रूट 3 रेज पावर 1 अंडर रूट 2 रेज पावर 5, 66 यहाँ पे अंडर रूट 3 रेज पावर 1 आएगा, फिर आएगा रेज पावर 0 डेट्स 1 अंडर रूट 2 रेज पावर 6, ये हो गया इसका एक्सपेंशन, ठीक है। माइनस करना पड़ेगा इसका एक्सपेंशन, आएगा 60 अंडर रूट 3 रेज पावर 6 प्लस 61 अंडर रूट 3 रेज पावर 5 इंट्रोड्यूस होगा माइनस रूट 2, ठीक है, प्लस 62 अंडर रूट 3 रेज पावर 4 माइनस रूट 2 स्क्वायर प्लस 63 अंडर रूट 3 रेज पावर 4 3 यहां पे आएगा माइनस रूट 3 रूट 2 रेज पावर 3, इसका रूट 2 का पावर इंक्रीज होगा उसका एक डिक्रीज होगा, 64 रूट 3 रेज पावर 2 माइनस रूट 2 रेज पावर 4 प्लस
प्लस सिक्स सी फोर आ गया 65, रूट थ्री रेज पावर वन माइनस रूट टू रेज पावर फाइव, सिक्स सी सिक्स रूट थ्री रेज पावर जीरो माइनस रूट टू रेज पावर सिक्स, इस तरीके से आ रही है। अगर आप देखेंगे तो इसमें जब आप इसको माइनस से मल्टीपल देंगे ना, ये देखो ये बनेगा माइनस, चलो इसको यार बड़ा करना पड़ेगा और, ये आएगा सिक्स सी जीरो, ये यहीं पे मैं बता दूँ, देखो कुछ नहीं करना माइनस आई बाहर, यहाँ पे माइनस प्लस ये आएगा माइनस, मैं नेक्स्ट स्टेप यहीं पे बेटा दिखा रहा हूँ बेटी, यहाँ माइनस प्लस माइनस ये आएगा माइनस टर्म, ठीक है ये आएगा प्लस टर्म क्योंकि माइनस माइनस इज प्लस, ये प्लस ही रहेगी, ये देखो यहाँ पे है क्यूब तो ये बनेगा माइनस, माइनस प्लस इज माइनस, ये बनेगा यहाँ पे माइनस टर्म, रेस पावर फोर है तो ये बनेगा प्लस ही तो प्लस ही रहेगा, यहाँ पे रेस पावर फाइव है तो माइनस बनेगा, ये माइनस जो है ये बाहर आएगा, प्लस माइनस माइनस और ये प्लस ही रहेगा, ठीक है। जब आप इसको आप माइनस से दोगे ना मल्टीपल, देखो ये बनेगा माइनस सिक्स जीरो अंडर रूट थ्री रेस पावर सिक्स, यहाँ पे भी है प्लस सिक्स जीरो अंडर रूट थ्री रेस पावर सिक्स, ये और ये कैंसिल होगा, आपके पास बचेगा यहाँ पे सिर्फ सिक्स सी वन अंडर रूट थ्री रेस पावर फाइव, माइनस माइनस प्लस सिक्स सी वन अंडर रूट रेस पावर फाइव अंडर रूट टू अंडर रूट टू, यानी कि जो एवर और नंबर्स वाले यहाँ पे जो और नंबर्स होंगे वो वहीं पे रहेंगे और वो दो दो बार आएंगे, और एवन वाले देखो 62 यहाँ पे भी है प्लस माइनस माइनस आएगा, यह आएगा माइनस 62 अंडर रूट थ्री रेज पावर फोर अंडर रूट टू स्क्वायर, क्योंकि माइनस रूट टू स्क्वायर इज रूट टू स्क्वायर, तो 62 यहाँ पे कैंसिल होगा, 64 भी कैंसिल होगा यहाँ पे और 66 भी कैंसिल होगा, आपको सिर्फ रहेंगे कौन से वैल्यूज, आपके पास रहेंगे सिर्फ वो वैल्यूज ऑड वाले 61 माइनस माइनस प्लस, तो टू टाइम्स आएगा, ये आएगा टू टाइम्स 61 अंडर रूट थ्री रेज पावर फाइव रूट प्लस टू टाइम्स, जब सब कुछ टू टाइम्स ही आएगा तो टू को बाहर ही रख देंगे, फिर आएगा 63 अंडर रूट थ्री रेज पावर थ्री रूट टू क्यूब, फिर आएगा 65 अंडर रूट थ्री रेज पावर वन रूट टू रेज पावर फाइव, ये चीज रहेगी आपके पास, क्योंकि ये बनेगा माइनस माइनस प्लस, ये बनेगा माइनस माइनस प्लस, ये बनेगा माइनस माइनस प्लस, तो हर कोई टर्म प्लस बनेगा और हर कोई टू टाइम्स आएगी तो टू को बाहर रख देंगे, 61 इज 6 अंडर रूट थ्री रेज पावर फाइव को मैं लिख सकता हूँ अंडर रूट टू रेज पावर टू इंटू अंडर रूट थ्री रेज पावर टू इंटू अंडर रूट टू अंडर रूट थ्री रेज पावर टू अंडर रूट थ्री रेज पावर टू इंटू अंडर रूट टू थ्री रेज पावर वन, बेसिस आर सेम पावर सम गया है, टू प्लस टू प्लस वन इज फाइव, ठीक है स्क्वायर रूट कैंसिल स्क्वायर रूट कैंसिल, तो आएगा थ्री थ्री जार नाइन रूट थ्री, नाइन रूट थ्री और इसके साथ है रूट टू, ध्यान से 63 को आप सिंप्लीफाई करेंगे, 63 आएगा 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, 6 माइनस 3 3 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल 3 इंटू 2 इंटू 1 3 फैक्टोरियल गया गया 3 वन जार 3 3 टू जार 6 2 2 गयो 5 4 जार 20 63 इज 20 और अंडर रूट 3 रेज पावर 3 है, इसको मैं लिख सकता हूँ अंडर रूट 3 रेज पावर 2 इंटू अंडर रूट 3 रेज पावर 1 इज इन इट बेस ऑफ सेम पावर साइड एडिट स्क्वायर रूट कैंसिल, तो आएगा थ्री रूट थ्री, इसको मैं लिख रहा हूँ थ्री रूट थ्री, रूट टू रेज पावर थ्री को भी मैं लिखूंगा रूट टू का स्क्वायर इंटू रूट टू रेज पावर वन, स्क्वायर रूट कैंसिल आएगा टू रूट टू, सिंप्लीफिकेशन पूरा ध्यान दो, ठीक है सर। चलो सिक्स सी फाइव विल बी इक्वल टू सिक्स, 65 बराबर का 6 है, 6 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल, 6 माइनस 5 इज 1 फैक्टोरियल, 6 इंटू 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल दैट इज 6, 65 इज 6 फैक्टोरियल, रूट 3 को आप नीचे का पे रख, रूट 2 रेज पावर 5 को लिखो रूट 2 स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट कैंसिल स्क्वायर रूट कैंसिल 2 2 जार 4 रूट 2, ये चीज आई, ठीक है आगे बढ़ेंगे इसको सिंपलीफाई और अगर आप करना चाहेंगे तो आएगा टू, ये क्या आएगा 96 54 रूट थ्री टू जार 6,
टू थ्री जा सिक्स, सिक्स इंटू जीरो इज जीरो, सिक्स टू जा हो गया ट्वेल्व, थ्री टू जा सिक्स, सिक्स इंटू जीरो इज जीरो, सिक्स टू जा ट्वेल्व, रूट थ्री इंटू रूट टू इज रूट सिक्स, सिक्स फोर जा ट्वेंटी फोर, रूट थ्री इंटू रूट टू इज रूट सिक्स, ठीक है। रूट सिक्स को कॉमन ले लो, आएगा टू इंटू फिफ्टी फोर प्लस वन हंड्रेड ट्वेंटी प्लस ट्वेंटी फोर इंटू रूट सिक्स, शाबाश। वो कितना आएगा, टू इंटू ये कितना आएगा, फोर जीरो फोर, फोर प्लस फोर इज एट, टू टू फोर, फोर प्लस फाइव इज नाइन, और वन, वन हंड्रेड नाइन्टी एट रूट सिक्स, वन हंड्रेड नाइन्टी एट इंटू टू इज टू हंड्रेड फिफ्टी सिक्स आएगा क्या, ओ सॉरी, एट टू जा सिक्सटीन वन, नाइन टू जा एटीन प्लस वन इज नाइनटीन, वन टू वन जा टू, टू प्लस वन इज थ्री, थ्री हंड्रेड नाइन्टी सिक्स अंडर रूट ऑफ सिक्स इज द आंसर ऑफ दिस, जब आप इसको इवाल्युएट करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको इवाल्युएट करेंगे। तो ये हमारे थे क्वेश्चन नंबर वन से लेकर फाइव तक। इस लेक्चर को आप अच्छे से देखेंगे, समझ में कहीं पे नहीं आएगा, लेकिन वीडियो लेक्चर में एक खास बात यह है, कहीं पे कोई पॉइंट समझ में नहीं आएगा वो आप रिपीट करो, उस वीडियो को पीछे लेके जाओ, उसको देख लो एक दो बार। तो इसमें जो थी बस ज़्यादा कैलकुलेशन थी इनके, जो है हमारे क्वेश्चन लेकर वन से लेकर फाइव तक बस कैलकुलेशन ज़्यादा थी, ज़्यादा डिफिकल्टी थे नहीं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में और जो बाकी रिमेनिंग फाइव क्वेश्चन है उनको सॉल्व करेंगे और हमारा बाइनोमियल थ्योरम को इंशाल्लाह रैप अप करेंगे। तो तब तक के लिए खुदा हाफिज़।